हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नो के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट का नंबर एग्जाम में काफी कम आता है या फिर इग्नो में जिन्हें फेल कर दिया जाता है, ऐसे स्टूडेंट के लिए इग्नो में आके क्या उपाय है, वह क्या कर सकते हैं। इन्हीं सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए चलिए वीडियो को डिटेल में इस टॉपिक पर बात करते हैं और समझते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण और इग्नो से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं कि मान लीजिए इग्नो का एग्जाम आपने दिया, खासकर ऐसे स्टूडेंट जिनका भी दिसंबर में एग्जाम उन्होंने दिया है और क्योंकि रिजल्ट आने आरंभ हो गए हैं, तो अगर किसी के साथ यह समस्या होती है कि उन्हें नंबर कम दिया जाता है या फिर उन्हें फेल कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में स्टूडेंट को यह ध्यान रखना है कि वे अपने रिजल्ट को बराबर देखते रहें। क्योंकि अगर 30 दिन से अधिक हो जाते हैं आपके रिजल्ट आए हुए, तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, जो रिजल्ट आ चुका है वही रहेगा। अगर 30 से पहले अगर आप अपने रिजल्ट को देखते हैं और आपको लगता है कि आपके नंबर जितना आपने लिखा था उससे कम आए हैं और आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास मौका होता है। पर यही 30 दिन बाद अपने रिजल्ट को देखते हैं तो यह मौका आपके पास नहीं होता। इसलिए बराबर ही अपने रिजल्ट को चेक करते रहें। तो चलिए बात करते हैं कि हमने रिजल्ट देखा, नंबर कम है, तो आगे हम क्या स्टेप ले सकते हैं। तो देखिए, इग्नो में आपको सुविधा दी जाती है री चेकिंग की और अपनी कॉपी आप दोबारा चेक करवा सकते हैं, यानी कि इग्नो में री वैल्यूएशन का ऑप्शन आपको मिलता है। तो री वैल्यूएशन के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट में आपको नंबर कम मिलते हैं। तो देखिए, सिंपल, इसके लिए आप नीचे जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं लॉगिन सेक्शन है। सिंपल, यहाँ आप लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए हम भी यहाँ लॉगिन होते हैं और आगे दिखाते हैं कि आप रिवैल्यूएशन कैसे अप्लाई करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपका कुछ इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ देख सकते हैं आपको नीचे सर्विस के अंदर रिवैल्यूएशन का ऑप्शन मिलता है। सिंपल, आप रिवैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ क्लिक करते हैं, देखते हैं आगे क्या डिटेल ओपन होके आता है। तो देखिए, इस प्रकार से आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ आपको सिंपल नीचे आना है और डिक्लेयर में, घोषणा में सिंपल क्लिक करेंगे और आगे हम आई एम एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, जो नेक्स्ट पेज अब आगे ओपन होगा। देख सकते हैं आई एग्री एंड प्रोसीड पे हमने क्लिक किया। इसके आगे जो हमें ऑप्शन मिलता है वह मिलता है कि कौन से सेशन का है आपका, जैसे जून 2022 का है या फिर दिसंबर 2021 का है। अभी फिलहाल यहाँ पे दिसंबर 2022 का ऑप्शन नहीं आया है, ठीक है, दिसंबर 2022 का अभी अपडेट नहीं आया है, उसके लिए रिवैल्यूएशन अभी चालू नहीं हुआ है। तो जैसे रिजल्ट अपडेट होने, कुछ रिजल्ट आ जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। तो सिंपल, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि जून 2022, दिसंबर 2021 का आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा है, इसी प्रकार से दिसंबर 2022 का लिंक दिखेगा। सिंपल उस पर क्लिक करेंगे और जिस भी सब्जेक्ट की कॉपी आपको रीचेकिंग करवानी है, रिवैल्यूएशन करवानी है, उसके लिए आप यहाँ आगे जाके स्टेप उठा सकते हैं और फॉर्म फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ₹750 का पेमेंट करना पड़ता है। अगर सिर्फ आप कॉपी चेक करना चाहते हैं, कॉपी मंगवाना चाहते हैं मेल आईडी पे, तो उसके लिए ₹100 आपको पे करना पड़ता है। तो दोनों सुविधाएं हैं, अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी भी मंगवा सकते हैं ₹100 दे करके, ₹100 की फी भर के, या फिर आप रिवैल्यूएशन ही करवाना चाहते हैं कि अपनी कॉपी दोबारा चेक करवाना चाहते हैं, तो ₹750 का आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा और आपके कॉपी दोबारा चेकिंग में चली जाएंगी। तो ये सारी जानकारी उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने दिसंबर 2022 में एग्जाम दिया है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है और ऐसी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप अधिक लेट ना हो, ताकि 30 दिन के भीतर अपने रिजल्ट को देख करके अगर आपको जो स्टेप उठाना है वो आप उठाएं और अपने रिजल्ट को बेटर कर सकते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो अपडेट टॉपिक के साथ लगातार हम मिलते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।